हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कस किया था और हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस, प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज, सेपरेटेड बाय सर्टेन स्मॉल डिस्टेंस। ये डाइपोल के हमने नोशन यूज कर रहे थे। मींस ये हुआ कि एक सपोज आपके पास नेगेटिव चार्ज है से माइनस क्यू और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू और उनके बीच में कुछ सेपरेशन है, तो इस सेट को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अगर ये टोटल सेपरेशन 2a थी तो अगर सेंटर ऑफ द डाइपोल को अगर हम सपोज इस पॉइंट से इंडिकेट करें तो ये डिस्टेंस होगा a और ये भी a। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमने बताई थी क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और इसको हम लिखते थे डाइपोल मोमेंट को p is equal to 2aq, और इसकी जो डायरेक्शन लिखी जाती थी दैट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये डाइपोल मोमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके पास केमिस्ट्री में भी यूज होता है मॉलिक्यूल्स की पोलर और नॉन पोलर नेचर को जज करने के लिए। अगर सपोज अगर किसी मॉलिक्यूल की नेट डाइपोल मोमेंट, आई एम टेकिंग नेट डाइपोल मोमेंट का मतलब रिजल्टेंट, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। सो अगर डाइपोल मोमेंट किसी सिस्टम की नेट डाइपोल मोमेंट अगर जीरो है तो उस मॉलिक्यूल को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपके पास H2O2 N2 CO2 एटसेट्रा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहते हैं कि आपके पास H2 है तो इसके अंदर दो एटम हाइड्रोजन के ये इक्वली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा, और चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा मीन चार्ज डेंसिटी को साइड करेगी तो आपके पास डाइपोल मोमेंट कितनी रहेगी, जीरो रहेगी। ऐसा ही आपके पास CO2 के केस के अंदर था, ये जितना इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन वाला खींचेगा उसके अकॉर्डिंग ऐसे ये वाला ऑक्सीजन, तो आपके पास डाइपोल मोमेंट बन गई एक नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ही और एक नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ही, तो ये दोनों डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है तो पी नेट जो आएगा वो जीरो आएगी, इसके मतलब ये आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। जबकि जिन मॉलिक्यूल्स के लिए पी नेट नॉन जीरो होगी वो मॉलिक्यूल आपके पास पोलर मॉलिक्यूल कहलाएंगे, उन मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास H2O की बात कर लेते हैं हम, ठीक है, तो हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन की कंपैरेटिव ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, तो यहाँ पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज स्लाइट पॉजिटिव, यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास दो डाइपोल बन गई, एक नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ये डाइपोल बन गई से P1 कह दिया और दूसरी डाइपोल मोमेंट बन गई नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ये बन गई, तो दोनों डाइपोल हालांकि इक्वल है, ये भी पी है और ये भी पी है, तो इसका मतलब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, पी रिजल्टेंट वो आपके पास नॉन जीरो आएगा और इसका मतलब वाटर कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। इसी प्रकार से आपके दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी आप ले सकते हो। तो अब हमें जब डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा क्योंकि डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें कैसा सम यूज करना पड़ेगा, वेक्टर सम यूज करना पड़ेगा। वेक्टर सम का मतलब सपोज पी रिजल्टेंट जो आपने पहले यूज किया था कैसे लिखा जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab cos थीटा, यहां पे लिखा जाएगा p1 स्केयर प्लस p2 स्केयर प्लस ट्वाइस ऑफ p1 p2 cos थीटा, अगर इनको इंडिविजुअल हम p1 और p2 इंडिकेट करें हो सकता है कि दोनों बराबर, एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट जो टेंजेंट बीटा वो वही साइन फार्मूला बी साइन थीटा बोलते थे, पी टू साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कोस थीटा, मीन्स ए का मतलब पी वन और बी का मतलब पी टू, तो ये दोनों रिजल्ट हम यूज करेंगे। तो यहाँ हम हमारे पास दो प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर। सो पहली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको ये कहा गया कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है
ऑफसाइड डी और सिक्विलेटरल ट्रायंगल के जो वर्टेक्स हैं ए बी सी उनके ऊपर रेस्पेक्टिवली चार्जेस रख दिया आपने प्लस क्यू माइनस टू क्यू एंड प्लस क्यू और आपसे कहा कि फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे एक बात वर्थ फरमाने की है कि अगर हम देखें कि इस सेट ऑफ चार्ज को प्लस क्यू और प्लस क्यू यहाँ डाइपोल नहीं बनी, ऐसे ही अगर यहाँ देखें प्लस क्यू और माइनस टू क्यू नहीं बन रही, इक्वल एंड अनलाइक चार्ज होना चाहिए, दोनों अनलाइक तो है बट इक्वल नहीं है, ऐसे इनकी भी नहीं बन रही। तो मैं इस प्रॉब्लम को करने के लिए चार्ज की जो स्केलर कॉन्सेप्ट होता था जो एडिशन का, उसको हम यूज कर लेते हैं। मैं अगर इस चार्ज को माइनस टू क्यू को इस तरह से लिख लूं, से माइनस क्यू एंड माइनस क्यू, एक माइनस क्यू ये ले लिया और एक माइनस क्यू ये ले लिया, तो अब आपके पास क्या हो गया, माइनस क्यू और माइनस क्यू का सम तो कितना है, माइनस टू क्यू ये, तो एक डाइपोल मोमेंट तो आपके पास बन गई नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ये से कितनी पी वन, और दूसरी डाइपोल मोमेंट बन गई नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज पी टू, और चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ बताइए भाई, साइड बी थी, ठीक है, ये आपके पास डाइपोल नहीं बनी, तो आपके पास दो डाइपोल बनी है। और इस तरह का अगर सिस्टम बनता है डाइपोल का, दो डाइपोल का सेट बनता है, तो उसे हम क्वाड्रापोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वाड्रापोल, और उसकी जो मोमेंट निकलती है उसको बोलते हैं क्वाड्रापोल मोमेंट। ये हायर क्लासेस में आप डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो हमारे पास क्लियरली दो डाइपोल बन गई, एक तो बन गई पी वन, पी वन कितना बना, चार्ज को किससे मल्टीप्लाई करते हैं डाइपोल लेंथ से, कोई भी चार्ज लिया इधर चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू में से किसी का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, अब माइनस टू क्यू नहीं लेना है आपने, इसको माइनस टू क्यू को आपने स्प्लिट कर दिया है माइनस क्यू दो सेट कर, ठीक है, तो क्यू इंटू बी, इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी कितना बी ए के अलोंग अलोंग बी ए, एंड पी टू इज इक्वल टू कितना हुआ, दैट इज अगेन क्यू इंटू बी, और इसकी डायरेक्शन है कितना अलोंग बी सी। तो आप ये देखते हैं कि क्लियरली P1 और P2 के जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, बस केवल किसका फर्क है, डायरेक्शन का। सो मैग्नीट्यूड ऑफ P1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P2, ये 10 पर ये भी 10, ये 20 पर ये भी 20, और ये मान लीजिए सपोज हम कितना कह देते हैं P से, इसको हमने P मान लिया, ठीक है। अब हमें इन दोनों डाइपोल का, क्योंकि ये कितने एंगल पे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो एंगल होता है वो कितना होता है भाई, 60 डिग्री का, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो आप ये रिजल्टेंट निकालोगे पैरेललोग्राम ऑफ एक्टेंशन या ट्रायंगल ऑफ एक्टेंशन का रिजल्ट अप्लाई करके, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ P1 P2 cos थीटा, तो बोलिए भाई P1 की जगह P लिख देते हैं, P स्क्वायर P2 की जगह P लिख देते हैं, P स्क्वायर 2P into P कितना हो जाएगा 2P स्क्वायर, और cos कितना लिखा जाएगा बताइए भाई 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री कितना होगा जो sin 30 होता है मींस 1/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2, तो यहाँ 1/2 लिख देंगे तो ये 2 से 2 फैक्टर कट जाएगा, पी स्केयर प्लस पी स्केयर प्लस 2 पी स्केयर इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पी स्केयर प्लस पी स्केयर प्लस पी स्केयर आपके पास कितना हो गया 3 पी स्केयर का अंडर रूट, और स्केयर से स्केयर रूट कट जाएगा इसका, और पी रूट 3 पे लग जाएगा, तो रूट 3 पी, तो ये आपके पास रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हुई। और P की वैल्यू आपने कितनी बता रखी है, P1 और P2 की बराबर होती है, कितनी है, दैट इज Q into D, तो इसका मतलब रूट 3 Q D, ये आपके पास P रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगी सिस्टम की। अब बात करेंगे डायरेक्शन की, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो डायगनल बनेगा जो रिजल्टेंट P रिजल्टेंट, वो दोनों के साथ बराबर एंगल बना करके आएगा, मीन्स 30 डिग्री डायरेक्शन के अंदर होगा, तो डायरेक्शन भी निकाल देते हैं। सो डायरेक्शन के लिए हम क्या रिजल्ट यूज कर लेंगे, ये वाला रिजल्ट, टेंजेंट थीटा is equal to P2, P2 भी कितना है P sin 60 degree over P1 भी कितना है P plus P2 भी कितना है P over cos 60 degree, ठीक है, आपके पास sin 60 हो गया कितना भाई root 3 by 2 P plus P और ये cos 60 कितना हो गया 1/2, तो ये P plus P by 2, तो एक और आधा डेढ़ डेढ़ का 3/2, तो आपने ये लिख दिया P into root 3/2 divided by P
भी कितना 3p/2, तो p से p कैंसिल हो गया भाई, ठीक है, और आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा कितना, दैट इज √3/3, और इसको सॉल्व करोगे आप तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है, क्योंकि इसको 3 को √3 × 3 लिख सकते हैं, √3 × √3, तो एक रूट शेक कट जाएगा तो 1/√3, और ये किसके कितने एंगल पे होती है भाई, 30 डिग्री के ऊपर, इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री, तो आपके पास बीटा जो आंसर हुआ वो 30 डिग्री होगा। ये आपके पास डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट निकालने के लिए, अन्य डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए ये फार्मूला यूज किया जाएगा, जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के सुपरपोजिशन के लिए या फील्ड के सुपरपोजिशन या फोर्स के सुपरपोजिशन में यूज करते हैं। इक्वेशन और इस तरह का पहले बोर्ड में आया, सीबीएसई बोर्ड में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें आप सही कहता है इस प्रॉब्लम में कि सपोज ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सही है, एक्स और एक्स डैश, और ये आपके पास है वाई हो वाई डैश, ठीक है, तो आपके पास कहता है कि दो डाइपोल हैं, एक को नाम दीजिए सपोज ए बी और दूसरे को डाइपोल मोमेंट दे दिया बी सी, सॉरी सी डी, ए बी एंड सी डी, और आपको ये कहा कि सपोज ये उस डाइपोल के दो सेट ऑफ चार्ज होगी, एक को सपोज आपने ए बोल दिया, एक को बी बोल दिया, इसको सपोज माइनस क्यू चार्ज कह दिया, इसको प्लस क्यू चार्ज, तो डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट की नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये आपके पास डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। और कहता है कि इसके साथ जो ए बी और सी डी के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री का है, 120 डिग्री के एंगल के ऊपर बना करके, तो आपके पास ये कहता है कि दूसरी जो डाइपोल है वो इधर की तरफ रखी हुई, ये हो गया सपोज आपके पास नेगेटिव चार्ज और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ताकि ये डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये आपके पास सेकंड डाइपोल मोमेंट होगी, ये आपके पास सी फर्स्ट पी वन थी और से ये पी टू, और इन पी वन और पी टू के बीच का जो एंगल दे रखा है आपको कितना दे रखा है, दैट इज 120 डिग्री, तो आपको ये पूछता है कि फाइन, हालांकि एक पार्ट और इसका टॉर्क का, लेकिन वो रिजल्ट हम टॉर्क का आगे डिस्कस करेंगे, तो इसलिए मैं वो यूज नहीं कर रहा हूँ, आप उसको तब तक सीख चुके होंगे, तब अपने आप कर लेंगे। फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दीज टू डाइपोल्स, ठीक है, तो आप ये कहोगे कि जी और दोनों डाइपोल कैसे दे रखी, इक्वल डाइपोल दे रखी, ठीक है, क्या दे रखी है, इक्वल डाइपोल, इक्वल डाइपोल का मतलब से आप ये कह दे कि चार्ज उनके पास क्यू है और जो डिस्टेंस है वो से डी है, ठीक है, तो आप ये कहते हैं कि पहली डाइपोल मोमेंट तो पी वन है इधर की तरफ, बी से ए की तरफ, दूसरी डाइपोल मोमेंट इस एक्सिस के अलोंग से सी से डी की तरफ है, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया जाएगा, पी वन स्केयर प्लस पी टू स्केयर प्लस टू पी वन पी टू एंड कॉस 120 डिग्री, सो पी वन कितना लिखा जाएगा, पी स्केयर प्लस ये टू पी इंटू पी कितना लिखा जाएगा, टू पी स्केयर, क्योंकि मैं पी वन और पी टू दोनों ही क्या है इक्वल बता रखे, पी वन और पी टू के मैग्नीट्यूड इक्वल बता रखे पी से, ठीक है, वो पी कितना आपके पास पी इंटू बी, और कॉस 120 डिग्री, कोस 120 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये आपके पास -1/2 है, अगर ये आपको ना निकालनी आ रही हो तो मैं आपको फिर बता देता हूँ कि कोस 120 को हम ऐसे लिख दें 180 - 60, और आपको पता है 180 के ऊपर रेशियो चेंज होता है, कोस का कोस रहता है, साइन का साइन रहता है कोस, लेकिन आपके पास देखिए कि ये इसको 0, ये 90, ये 180, तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो इसके अंदर साइन और स्क्वायर का कोसेकेंट तो पॉजिटिव होंगे, और कोस कैसा होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव बाहर लिख दिया और कितना 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू यूज की कितनी थी 1/2 जो साइन 30 होती, तो रिजल्ट कितना आ गया -1/2, तो यहां के कितना यूज करेंगे -1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और ये कितना भी माइनस अगेन p
इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट को बता रहा है, पी रिजल्टेंट को, ये जो डायग्राम है पी रिजल्टेंट को, ठीक है। इसका मतलब अब आप ये कहते हैं कि ये दोनों डाइपोल हट गई और एक ही डाइपोल ये रखी हुई है, मैं उस पार्ट को क्वेश्चन को भी सेव कर देता हूँ। ये इसका मतलब ये डाइपोल मोमेंट है पी, और कहता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ काम कर रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो आप बताओ एक्स एक्सिस पर कितना एंगल बना, ये तो कितना 90 था, टोटल कितना था 120, तो 120 में से 90 घटा दीजिए तो 30 डिग्री बची है आपके पास, तो ये आपके पास 30 डिग्री हो गया। तो ये कहता है कि टॉर्क निकाले, वो टॉर्क का रिजल्ट मैं आगे दो तीन आर्टिकल के बाद बताऊंगा, वो रिजल्ट होता है टो इज इक्वल टू टीई साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना यूज किया जाएगा साइन 30, और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो टीई और इंटू 1/2, सो टॉर्क विल बी टीई बाय 2, ये आपके पास टॉर्क है। अब नेक्स्ट इसके बाद हम बात करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं हमने पॉइंट चार्ज के कारण से, अकेले एक चार्ज के कारण से, लेकिन डाइपोल के अंदर दो चार्ज होते हैं तो दोनों चार्जेस के कारण से पॉइंट चार्ज मानकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लें, उन दोनों को सुपर इम्पोज कर दे इन फार्मूले के अकॉर्डिंग, वेक्टर सम के फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो नेट रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। अब डाइपोल के ऊपर हम दो केस लेते हैं, एक तो फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, दूसरा फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, और तीसरा लेते हैं एनी पॉइंट। तो हम पहले एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि वो क्या है, और उसके बाद फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे ड्यू टू द डाइपोल। हमारे पास ये सपोज एक कोई डाइपोल है, से माइनस क्यू चार्ज और इसे प्लस क्यू चार्ज, और ये उनके बीच की सेपरेशन होगी से 2a, और ये सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब कोई पॉइंट सपोज मैं यहां लेता हूं इस लाइन के अलोंग कहीं भी, ये सपोज p पॉइंट है, तो ये पॉइंट इसके एक्सिस के अलोंग है, तो इस लाइन को हम लाइन बोलेंगे एक्सियल लाइन, कौन सी लाइन बोलेंगे एक्सियल लाइन, ऐसे लिख लेंगे एक्सियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो ऐसे लिखेंगे। और अगर एक ऐसी लाइन जो इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, लेकिन कहां से पास हो रही हो, सेंटर से, परपेंडिकुलर यहां भी हो सकती है, एक्सिस के परपेंडिकुलर और कहां से पास हो रही हो, सेंटर से, मींस ये डिस्टेंस और ये भी ए डिस्टेंस, और उसके ऊपर कोई पॉइंट हो तो वो पॉइंट कौन सी लाइन पे कहलाएगा, इक्वेटोरियल लाइन, कौन सी लाइन पे कहलाएगा इक्वेटोरियल लाइन, और ऐसे लिखेंगे इक्वेटोरियल। तीसरा केस हम ये कहेंगे कि मान लीजिए सपोज वो पॉइंट जो है ना तो एक्सियल लाइन पे ना इक्वेटोरियल लाइन पे किसी पोजीशन पे, सपोज यहाँ पे पी पे, और ये पोजीशन कितनी दूरी पे, सपोज आर डिस्टेंस पे, और कितने डायरेक्शन में है, थीटा डायरेक्शन में, मींस पी आर थीटा, इसको हम बोलेंगे एट एनी पॉइंट, क्या कहेंगे इसको, एट एनी पॉइंट। तो हम इन तीनों आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, पहले एक्सियल लाइन पे निकालते हैं, फिर इक्वेटोरियल लाइन पे, फिर एट एनी पॉइंट। एक चीज ये है कि अगर ये एट एनी पॉइंट काम कर ले तो एक जनरलाइज रिजल्ट हो जाएगा, और उसमें अगर थीटा की वैल्यू जीरो कर दे तो एक्सियल लाइन पे जाएगा, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर दे तो क्या जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन पे। इसका मतलब अगर जो रिजल्ट इसका आएगा एट एनी पॉइंट का, जो ई आर थीटा आएगा, उसके अंदर अगर थीटा जीरो डिग्री यूज कर लेंगे तो वो एक्सियल लाइन का रिजल्ट दे देगा, और थीटा यूज कर लेंगे 90 डिग्री तो वो कैसा मिलेगा, इक्वेटोरियल का, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सियल लाइन, फिर इक्वेटोरियल लाइन का करेंगे, फिर एटेनी पॉइंट। रिजल्ट जो यूज करना है वो क्या यूज करना है कि पहले सपोज ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण से और इस चार्ज दोनों के कारण से इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लें, सपोज ई1 और ई2 होगी, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें सम कैसा करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। अगर एंगल नोन है तो वेक्टर सम कर देंगे, वो रिजल्ट होता है ई आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई1 स्क्वायर प्लस ई2 स्क्वायर प्लस 2 ई1 ई2 और cos
थीटा। लेकिन अगर एंगल नोन ना हो, नॉट नोन, तो पहले पिछले चैप्टर के अंदर भी न्यूमेरिकल्स में भी किया था, तो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वेक्टर रिजोल्यूशन का। वेक्टर रिजोल्यूशन का मतलब सपोज ये आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, और इसका अगर थीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट लिखे एंगल के लॉन्ग, तो कैसा कंपोनेंट आएगा? कोस कंपोनेंट, पहले भी किया था, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैसा कंपोनेंट आ जाएगा? साइन कंपोनेंट। ये इवन है तो इवन साइन थीटा, और ई टू इवन कोस थीटा, और ई टू है तो ई टू साइन थीटा और ई टू कोस थीटा, एंगल के लॉन्ग कोस और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन। शायद मेरे हिसाब से आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे हमने कैसे अप्लाई करना है। सो लेट अस डिस्कस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन। Thank you. This bit. It's a bit too much. So now let us discuss the electric field intensity due to an electric dipole on its axial line. First case हम ले रहे on axial line. So, पहले हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक कोई डाइपोल है प्लस माइनस क्यू कॉमन टू ए। मीन्स दो चार्जेस है प्लस क्यू और माइनस क्यू, सेपरेशन उनके बीच की टू ए, सच दैट इनकी जो डाइपोल मोमेंट बन जाती है वो हो जाती है पी इज इक्वल टू टू ए क्यू, एंड दिस इज बीइंग डायरेक्टेड फ्रॉम कहाँ से डायरेक्शन होती है बताओगे? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो आपने एक डाइपोल मान ली, ये सपोज आपकी डाइपोल का से माइनस क्यू चार्ज है, और ये आपके डाइपोल का से प्लस क्यू चार्ज। ये सपोज ए हो गया पॉइंट, ये हो गया बी, और इनके बीच की जो सेपरेशन है ये सपोज आपने टू ए बोली थी, तो ये सेपरेशन सेंटर से डिस्टेंसेस डिवाइड करे तो ए और ए हो गए, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी किधर की तरफ आई, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब आप एक्सियल लाइन उस लाइन को बोलते थे जो उस डाइपोल के एक्सिस, तो ये एक्सिस और एक्सिस से पास हो रही है, सपोज इस पॉइंट को हमने सेंटर ऑफ द डाइपोल को बोल दिया, और ये पी पॉइंट ले लिया जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, और सपोज मान लीजिए कि हमने यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख लिया जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि पहले हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज के कारण से ले, पॉजिटिव चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे होगी, रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज इसके बाद इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, वो इस डिस्टेंस से निकलेगी, वो इधर की तरफ होगी, और दोनों काम क्या करेंगे? रिजल्टेंट करेंगे। तो आप ये कहोगे कि पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज के कारण से निकाल देते हैं, जो कि कितने डिस्टेंस पे? इस बी पी डिस्टेंस पे। कितने सेपरेशन पे? इस बी पी डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे? तो आपने कहा कि पी पॉइंट जो माना था ये एक्स सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, सपोज आर पे, तो टोटल डिस्टेंस आर है वो पी, तो इसमें से ए हटा दें तो ये कितना बचाएगा, बाकी का बी पी डिस्टेंस बचाएगा, दैट विल बी आर माइनस ए। तो इसका मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आर माइनस ए डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जर्ट करेगा, और इस पॉइंट नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आर डिस्टेंस तो होगा ही, एडिशनल ये ए और चलना पड़ेगा हमें यहां तक का AP जो डिस्टेंस होगा, सो दैट डिस्टेंस विल बी R प्लस A। अब इस पॉजिटिव चार्ज जो प्लस Q रखा है जो B के ऊपर, इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो पॉजिटिव चार्ज के कारण से होगी, क्योंकि इस चार्ज और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये इससे नजदीक लाई करता है, कम डिस्टेंस पे R माइनस A डिस्टेंस पे, और ये ज्यादा डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नजदीक पे क्या होगी ज्यादा, तो इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ये भाई, सपोज मैंने इसको लिख दिया ई वन। ऐसे ही अब इस चार्ज को ना सोचे कि ये चार्ज नहीं है, तो इस चार्ज के कारण से निकालो तो नेगेटिव चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो सपोज मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब मैंने इसको शॉर्ट एरो से लिखा है और इसको लार्ज एरो से, इसको लार्ज एरो से इसलिए लिखा क्योंकि ये चार्ज इससे कम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा रखेगा, ये वाला चार्ज इस चार्ज से ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम रखेगा, सो क्लियरली ई वन ज्यादा होगा, ई टू क्या होगा कम, और इनके बीच में जो एंगल हो गया वो कितना हो गया 180 डिग्री। सो आप पहले ही लिख देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां के ऊपर,
एट P किसके कारण से Q2 प्लस Q चार्ज जो कहाँ पे रखा हुआ है V पे रखा हुआ है और सिलेक्टिव फील्ड इंटेंसिटी को आपने किस सिंबल से डिनोट किया है बताइए E1 से E1 इज इक्वल टू कितना है कि भाई बताइए K चार्ज की वैल्यू कितनी Q और बाई डिस्टेंस बोलिए कितना R माइनस A बी पी स्केल लिखेंगे बी पी को मैं सीधा डायरेक्टली R माइनस A का स्केल ठीक है डिस्टेंस का स्केल K क्यू बाई R स्केल होता था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ है B से और P की तरफ ठीक है अलोंग बी पी सही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी तरह से सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं किसके कारण से नेगेटिव चार्ज के कारण से एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज जो कि कहाँ पे रखा हुआ है एट ए जो ए पे रखा हुआ है तो वो कितनी होगी भाई इसे ई टू से डेजिग्नेट कर देते हैं हम इसको सो दैट विल बी इक्वल टू के क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना होता है डिस्टेंस कितना भाई ये ए पी मैं यहाँ भी लिख देता हूँ बी पी तो था आपके पास आर माइनस ए और ए पी है कितना आर प्लस ए तो ये हो गया आर प्लस ए का स्केल और डायरेक्शन किधर की तरफ है बताइए इसकी अलोंग पी से और ए की तरफ अलोंग पी सही क्वेश्चन नंबर सेकंड आप क्लियरली अगर देखें के क्यू दोनों में सेम है यहाँ डिस्टेंस नीचे कम हुआ ये चीज़ कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी कम सो क्लियरली E1 तो क्या है ज़्यादा और E2 क्या है कम सो क्लियरली हमने ये लिख दिया E1 का मैग्नीट्यूड E2 से ज़्यादा क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट थी तो ज़्यादा में से क्या घटा दें कम घटा दें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच जाएगी अदरवाइज आप इसको सुपरपोजिशन का फॉर्मूला E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 cos 180 तो cos 180 माइनस 1 होता है तो उस फॉर्मूले से भी निकालेंगे तो ये माइनस बी का होल स्केयर बन जाएगा तो E1 माइनस E2 का होल स्केयर और स्केयर से स्केयर रूट कट जाएगा तो E1 माइनस E2 आएगा तो सीधा हम करते थे कि उस स्टेप बढ़ाते दो तो हमने ये लिख दिया E रिजल्टेंट वो कितना आएगा दैट विल बी E1 माइनस E2 ज्यादा हमें इससे कम घटा देंगे तो किधर बचेगा जिधर ज्यादा थी ज्यादा कौन था E1 तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो किधर की तरफ आएगी इस E1 की तरफ आ जाएगी इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर आ गई इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अंदर मींस P और E दोनों क्या हो गए पैरेलल हो गए तो E1 की वैल्यू लिख दीजिए ये और E2 की वैल्यू लिख दीजिए और दोनों घटा दीजिए और मैं देख रहा हूँ कि इसमें KQ 1 ओवर R स्क्वायर माइनस R माइनस A का स्क्वायर KQ 1 ओवर R प्लस A स्क्वायर तो दोनों में KQ मैंने बाहर लिख दिया और ये कितना आ जाएगा आपके पास E1 में कितना था बताइए R माइनस A का होल स्क्वायर और माइनस में 1 ओवर R प्लस A का होल स्क्वायर ठीक है अब इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से करना LCM लेंगे पहले तो LCM दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा नीचे तो एक टर्म ये इधर क्रॉस होकर क्या जाएगी और ये यहाँ आ जाएगी तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया KQ नीचे तो आ गया इनका प्रोडक्ट किसका R माइनस A का और R प्लस A का लेकिन दोनों पे स्केयर था तो मैंने कंबाइंड स्केयर लिख दिया भाई ठीक है ये टर्म यहाँ आ गई R प्लस A का होल स्केयर माइनस में R माइनस A का होल स्केयर ठीक है और आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए कि a प्लस बी के होल स्केयर में से भी a माइनस बी का होल स्केयर अगर घटता है तो 4ab आता है तो यहाँ पे इसको बोलते हैं a प्लस बी का होल स्केयर में से घट रहा है a माइनस बी का होल स्केयर तो 4ab आ जाएगा रिजल्ट डायरेक्ट अदरवाइज आप इसको स्केयर को खोलेंगे r स्केयर प्लस a स्केयर प्लस 2ra r स्केयर प्लस a स्केयर प्लस 2ra फिर इसका करेंगे तो ब्रैकेट लगेगा और कितना r स्केयर प्लस a स्केयर माइनस 2 आ रही क्योंकि ये माइनस बी का होल स्केयर ही होता है तो ये माइनस अंदर जाएगा ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस तो आर स्केयर चार स्केयर ए स्केयर से ए स्केयर कितना जाएगा 2ra प्लस 2ra कितना 4ra ठीक है तो 4ra तो ये क्या है ए और ये टर्म क्या है बी 4ab तो वही रिजल्ट आ गया 4ab तो मैं लिख दूँ सो ये आपके पास आ गया KQ और कितना हो गया 4ra और नीचे हो गया भाई क्या ये क्या है ए माइनस बी रिजल्ट होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये होता है आपके पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर तो ये दोनों रिजल्ट यहाँ यूज कर लेते हैं तो इसका मतलब ए माइनस बी और इंटू प्लस बी का प्रोडक्ट क्या आएगा ए स्केयर मीन्स आर स्केयर फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस बी स्केयर उस पूरे पे क्या है ऑल स्केयर है तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस क्या है कौन सी लाइन पे एक्सियल लाइन पे सो एक्सियल ई एक्सियल ई एक्सियल ठीक है अगर डायरेक्शन लिखेंगे साथ में तो वेक्टर लगा देंगे तो डायरेक्शन की तरफ है बताओ पी से और ये एक्स एक्सिस माना था तो अलोंग पी एक्स अलोंग पी एक्स लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट ठीक है और ऐसे लिख दीजिए कि पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट
अभी थोड़ा सा चेंज करना हमने क्या कि हमारे पास 2aq कितना होता है, p होता है। तो ये देखिए आपके पास ab है और qb है, तो साथ में फैक्टर चेंज करो 2 इससे लेंगे 2 into 2 करके और बाकी के टर्म को बाहर लिख लेंगे, r को भी बाहर लिख दिया। तो मैंने क्या लिखा भाई, kb बाहर लिख दिया, 4 को अपने लिख दिया 2 × 2, तो एक 2 और बाहर ले लिया, ये 2 बाहर ले लिया, तो अंदर कितना बचा भाई बताइए, q अंदर चला जाएगा, r बाहर आ चुका था, एक 2 बचा था यहां से, 2 और ये a बच गया था और ये साथ में q, तो 2aq ओवर कितना भाई r² - a² का होल स्क्वायर, ये आ गया e^0। और इस टर्म को क्या लिख दें जो ब्रैकेट में टर्म है विद इन द ब्रैकेट, इसको हम p लिख दें, p कितना होता 2aq, तो ये आ गया आपके पास 2k और ये p हो गया 2kp r ओवर r² - a² का होल स्क्वायर e^0। और ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट से, इसको रिजल्ट में अभी मान लेता हूं थर्ड। ठीक है, अब एक बात आप ध्यान रखना कि जनरली जो डाइपोल है वो हमारे पास शॉर्ट डाइपोल होती है। शॉर्ट डाइपोल कहने का मतलब ये हुआ कि जो डाइपोल के चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्यू तो ज्यादा होगा, क्यू तो लार्ज होगा, और जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, स्मॉल। तो उन डाइपोल को हम क्या मानेंगे, शॉर्ट डाइपोल मानेंगे। इसका मतलब डाइपोल तो ये और फील्ड पॉइंट इससे लार्ज डिस्टेंस में, मीन्स आर ज्यादा होगा किससे, ए से। तो आप ये लिखोगे कि फॉर शॉर्ट डाइपोल कह दीजिए, या इसको हम वर्ड यूज कर सकते हैं आइडियल डाइपोल, मीन्स जो फील्ड पॉइंट है आर वो ए के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होगा, क्योंकि आपने ये डाइपोल मान ली, सपोज ये टोटल 2a हो गया, ये सेंटर ए और ये आपके पास सपोज आर, तो ये r किससे ज्यादा है, 2a से ज्यादा है, r 2a से ज्यादा है, तो a से तो और भी ज्यादा होगा, होगा नहीं, और a के r का स्केयर करें तो a स्केयर से बहुत ज्यादा हो गया, तो r स्केयर और a स्केयर के टर्म उसमें से a स्केयर को हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। सो इट मींस दैट r स्केयर विल बी वेरी वेरी मच लार्जर देन a का स्केयर। देन इस रिजल्ट के अंदर e^0 वाले के अंदर कितना बनेगा भाई, 2ap r, और इस r² - a² टर्म जो है r² - a² और उसका पूरे का स्केयर था, तो इस a² वाले टर्म को हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, k स्केयर बहुत ही नेग्लिजिबली स्मॉल है, इसके ऊपर 2 r स्केयर, तो टर्म हमारे पास 2kp r ओवर r की पावर 2 थी और उसमें भी स्केयर, तो r की पावर कितनी होगी 4, और ये 4 पावर में से एक r की एक पावर कट जाएगी, कितनी पावर आ जाएंगी 3, 2kp / कितना r³। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई कौन सी लाइन पे, एक्सियल लाइन पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एक्सियल लाइन पे है वो डाइपोल मोमेंट के क्या आ गई, पैरेलल। ये रिजल्ट हो गया किसके लिए, शॉर्ट डाइपोल के लिए। तो आपने ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी डाइपोल के कारण से अगर एक्सियल लाइन पे निकाले तो कितनी आएगी, 2kp/r³, जो कि k आपको 1/4πε₀ p डाइपोल मोमेंट और r फील्ड पॉइंट का डिस्टेंस, लेकिन पैरेलल किसके होगी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के पैरेलल होगी। अगर हम इक्वेटोरियल लाइन पे निकालेंगे तो उसमें ये 2 फैक्टर हट जाएगा, kp/r³ आएगा, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन की कंपैरेटिव आधी होगी और डाइपोल मोमेंट पैरेलल की वजह से एंटी पैरेलल आएगी। तो वो हम और निकाल करके देख लेते हैं। देखिए ये चीज सारी सारी चीज से एक्सियल की बजाय हम क्या लिख देंगे, इक्वेटोरियल लिख देंगे, ये रिजल्ट जरूर ध्यान रख लेना कि एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के पैरेलल होती है और फैक्टर होता है 2kp/r³। अब हमने बात की थी इक्वेटोरियल लाइन, तो डाइपोल तो वही भाई प्लस माइनस क्यू कोमा 2a और सच दैट उसकी जो डाइपोल मोमेंट है p इज इक्वल टू कितना हो जाए 2aq और डायरेक्शन होती थी फ्रॉम कहां से, माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो आप एक डाइपोल का सेट मान लीजिए, सपोज ये आपके पास माइनस क्यू चार्ज हो गया जो कि एक पे रखा हुआ है, और सपोज ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज हो गया जो कहाँ पे रखा हुआ, से बी पे रखा हुआ है, और ये आप सेंटर ऑफ द डाइपोल मान लीजिए। तो ये जो एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन और सेंटर से पास होने वाली लाइन होगी, इस लाइन को हम क्या ट्रीट करेंगे,
इक्विटोरियल लाइन ट्रीट करेंगे, ठीक है, ये एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेगी। और मैं यहाँ पे इसके कोई पी पॉइंट मान लेता हूँ, यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, यहाँ पे क्या रखना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख लिया, ठीक है। अब क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है ए, और ये डिस्टेंस भी कितना है ए, और ये कितनी दूरी पे माना हमने, फील्ड पॉइंट आर डिस्टेंस पे मान लिया जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, तो ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितने डिस्टेंस से, इस डिस्टेंस के बराबर, जो कि आपके पास क्या हो बीपी डिस्टेंस से लगाएगा। और ये जो नेगेटिव चार्ज है किस डिस्टेंस से, एपी से। तो आप ये देखें कि भाई ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर ये वाली साइड निकालनी है हमें, ये साइड पता है और ये साइड पता है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, तो वो कैसे निकल जाएगी आपके पास, एपी और बीपी दोनों बराबर, क्योंकि आर और ए, आर और ए साइड सेम है, तो आप ये कह सकते हो कि हमारे पास एपी और बीपी दोनों ही कितने आ जाएंगे, बताइए, हाइपोटेन्यूस है, और हाइपोटेन्यूस कैसे आएगा, बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर, सो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ आर स्केयर प्लस ए स्केयर। और हमें चाहिए क्या, एपी का स्केयर और बीपी का स्केयर, सो एपी का स्केयर और बीपी का स्केयर दोनों ही कितने आ जाएंगे, स्केयर से स्केयर रूट कट जाएगा, सो आर स्केयर प्लस ए स्केयर, ये हम यूज करेंगे भाई, ठीक है। तो अब ये देखिए कि ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज के कारण से क्या होगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी भाई ये सपोज E1 इस पॉजिटिव चार्ज के कारण से, फिर नेगेटिव चार्ज के कारण से निकाल से तो वो क्या होगी सी। अब यहाँ ये गौर फरमाने की बात है कि चार्ज का सेट देखिए, यहाँ पे कितना क्यू और वन, यहाँ पे भी क्यू और वन, डिस्टेंस कितना आर प्लस ए, आर स्केयर प्लस ए स्केयर का रूट ये, और ये भी कितना आर स्केयर प्लस ए स्केयर का रूट, तो चार्ज भी सेम और डिस्टेंस भी सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, ठीक है ना। एक चीज और मान लेते हैं हम कि इस ट्राइंगल में अगर देखें पूरे में एबीपी में, तो ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है, और ट्राइंगल में होता है कि बराबर भुजाओं के समूह कोण बीसी ये वाला और इसके अपोजिट ये वाला, दोनों एंगल क्या होते हैं बराबर, और हम यहाँ इसको सपोज एक्स एक्सिस मान लेते हैं, एक्स एक्स डैश डायरेक्शन होगी एक्स पी एक्स डैश, और ये वाली होगी वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये इसकी ट्रांसवर्सल हुई, और ये एंगल और ये एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल होगी सिर्फ थीटा, ऐसे ही ये वाला एंगल भी कैसे हो गए, ये वाला एंगल थीटा है, तो इसके ये वाला एंगल के साथ एंगल हो गया अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये लाइन दोनों पैरेलल लाइन हो और ट्रांसवर्सल हो, तो ये वाला जो ये वाला एंगल क्या होता है अल्टरनेट एंगल, ठीक है। और ऐसे अगर बात करें कोई दूसरी लाइन ले लें तो ये कैसे होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये वाला तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये वाला कैसा होगा अल्टरनेट, ठीक है। अब हम निकाल लेते रिजल्ट और फिर सॉल्व करते हैं, क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि मेरे को इस E1 और E2 के बीच का एंगल नहीं पता था, तो हम वेक्टर रिजोल्यूशन यूज करेंगे वेक्टर एडिशन की बजाय। तो आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे निकाल रहे, पी पॉइंट पे किसके कारण से, पॉजिटिव चार्ज के कारण से, तो वो हमने बोल दी इसे E1 लिख दें, किसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एट पी, किसके कारण से E2 प्लस क्यू चार्ज जो कहां पर रखा था बी पे रखा था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने E1 बोली कितनी आएगी बताइए भाई, के चार्ज की वैल्यू क्यू, और डिस्टेंस कितना भाई बीपी स्केयर, और बीपी स्केयर कितना लिखा जाए आर स्केयर प्लस ए स्केयर, तो डायरेक्शन की तरफ बताइए बी से पी की तरफ अलोंग बीपी, से इक्वेशन नंबर फर्स्ट डायरेक्शन तो मैंने बेटर लिख दिया। ऐसे ही सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण से, नेगेटिव चार्ज के कारण से, जो ए पे रखा हुआ है वो कितनी होगी सर E2, तो E2 इज इक्वल टू कितना के क्यू, और बाय डिस्टेंस कितना एपी का स्केयर, सो एपी स्केयर भी कितना होगा बोली आर स्केयर प्लस ए स्केयर, ठीक है, अलोंग क्या डायरेक्शन इसकी पी से ए की तरफ अलोंग पी। तो अब इन दोनों इक्वेशन को आप देखते हो तो E1 और E2 दोनों की वैल्यू क्या है बराबर है, सो क्लियरली E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है, इसका मतलब E2 की जगह E1 लिख सकते हैं जरूरत पड़ेगी तो। अब हम कहते हैं कि इन दोनों के बीच में हमें एंगल नहीं पता ताकि हम रिजल्टेंट निकाल सकें, तो हम क्या करते हैं E1 और E2 को रिजोल्व कर देते हैं इन द रेक्टेंगुलर डायरेक्शन, इस फिगर के अंदर समझ में आ जाएगा, अलग से बनाऊंगा, चलो वहां अलग से बना देते हैं। तो रिजोल्विंग E1 एंड E2 अलोंग रेक्टेंगुलर डायरेक्शन, रेक्टेंगुलर डायरेक्शन कैसे, पहले फिगर में देख लीजिए, ये आपके पास सपोज
ए बी जो पी ये आपके पास थी इवन और ये एक्सपोज ई टू ये एंगल थीटा था ये एंगल भी थीटा था तो ये एंगल थीटा हो गया था इसका अल्टरनेट एंगल ये एंगल थीटा हो गया ठीक है। और ये डायरेक्शन हमने मान रखी थी से वाई एक्सिस और ये वाली जो डायरेक्शन हमने मान ली से एक्स एक्सिस ठीक है। एक चीज और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से थी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ये डाइपोल मोमेंट होगी। तो अगर इन दोनों का फील्ड नेट लिखेंगे तो किधर की तरफ आएगा इधर की तरफ आएगा ई रिजल्टेंट पैरेललोग्राम से भी अगर करें तो भी तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी लाइन पे इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल मोमेंट के कैसे हुई वहां तो आई थी पैरेलल और यहाँ कैसे आई एंटी पैरेलल। तो आपने रिजोल्व करेंगे तो मैंने बताया था किसी वेक्टर को रिजोल्व करके तो उसका एंगल के अलोंग कंपोनेंट तो कैसा आता कोस तो इधर की तरफ तो कैसा आएगा कोस ई वन कोस थीटा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वो क्या हो गया ई वन साइन थीटा। ऐसे इस ई टू को रिजोल्व करो तो ई टू को रिजोल्व करोगे तो एंगल के अलोंग कैसा कंपोनेंट आ जाएगा कोस ई टू कोस थीटा और उसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कौन सी ये क्या आ जाएगा ई टू साइन थीटा। तो आप यहाँ कहोगे कि क्योंकि ई वन और ई टू तो दोनों बराबर है तो यहाँ पे ई वन और ई टू तो दोनों क्या है बराबर साथ में साइन भी सेम लग रहा है और डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट होगी तो ये दोनों कंपोनेंट क्या करके कैंसिल करके तो हमारे पास बचे कौन केवल ई वन कोस थीटा और ई टू कोस थीटा बचे। तो आप ये कहोगे कि देन साइन कंपोनेंट्स ऑफ ई वन एंड ई टू काउंटर कैंसिल्स एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं एंड वी आर लेफ्ट विद व्हाट कोसाइन कंपोनेंट्स और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी बताइए ई वन कोस थीटा प्लस ई टू कोस थीटा। अब क्योंकि ई वन और ई टू दोनों बराबर है तो ई टू की जगह भी क्या लिखूं मैं ई वन सो ई वन कोस थीटा प्लस ई वन कोस थीटा क्यों क्योंकि मैग्नीट्यूड ई टू और ई वन दोनों के क्या थे बराबर थे तो ये ई वन कोस थीटा प्लस ई वन कोस थीटा कितना हो गया टू ई वन कोस थीटा। और किस लाइन पे निकाल रहे थे आप इक्वेटोरियल पे तो इक्वेटोरियल का साइन यूज कर लीजिए ठीक है। डायरेक्शन किधर की तरफ होगी बताइए डाइपोल मोमेंट के डाइपोल मोमेंट तो ये थी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज उसके एंटी पैरेलल तो आप ये लिख दोगे एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट के कैसे एंटी पैरेलल ठीक है से रिजल्ट इक्वेशन बनने थर्ड मार्क तो हम एक तो इवन चीज इवन तो ये रहा और एक चीज कोस थीटा। तो कोस थीटा कैसे निकालेंगे हम ये एक ट्राइंगल ले लेते हैं सपोज इस पॉइंट को मैं सपोज सी बोल देता हूँ सी नहीं आया तो आप इस ट्राइंगल के अंदर ये देखिए ये एंगल ये राइट एंगल तो ये वाली साइड तो क्या होगी बेस तो बेस तो आपके पास कितना है ए भाई ठीक है ये डिस्टेंस कितना आर और ये कितना रूट ऑफ आर स्केयर प्लस ए स्केयर तो कोस थीटा क्या होता है बेस टू द हाइपोटेन्यूस तो बेस तो कितना है ए और हाइपोटेन्यूस कितना रूट ऑफ आर स्केयर प्लस ए स्केयर ठीक है ए ओवर और अनरूट किसको बोलते हैं हाफ पावर तो आर स्केयर प्लस ए स्केयर की हाफ पावर ये कोस थीटा यूज किया जाएगा तो हम यूज करते हैं इसके अंदर तो क्या क्या यूज करेंगे e इक्वेटोरियल इक्वल टू e1 की वैल्यू बोली कितनी है k q by r square plus a square k q over r square plus a square और cos theta की जगह ये वैल्यू हमने यहां निकाली है जो कितनी भाई a over r square plus a square की पावर कितनी भाई हाफ ठीक है। तो ये ऊपर देखिए फिर हम क्या बढ़ गई k q भी है a भी है और 2 भी है तो 2aq और 2aq को क्या बोलते हैं p तो मैंने इसको इस तरह से लिख लिया है e इक्वेटोरियल इज इक्वल टू k छोड़ दिया अलग ठीक है और अंदर हो गया 2aq और नीचे में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की एक पावर तो ये थी और आधी ये और एक और आधा कितना होता है डेढ़ डेढ़ का मतलब तीन का आधा तो 3/2 सो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 ठीक है और इसको हम बोल देते हैं p इस फैक्टर को हमने कह दिया P, so E equatorial आपके पास आ गया K P over R square plus A square raised to the power 3/2 और direction होगी इसकी anti parallel to dipole moment ठीक है। अब ideal dipole के लिए करें for ideal dipole का मतलब shorter dipole तो शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होगा r will be very much greater than a so r square will be
when larger than a, तो a square को हम क्या करते हैं, इस टर्म से ड्रॉप कर दे, तो आइडियल डाइपोल के लिए e इक्विटोरियल आपके पास आ गया kp बाय कितना भाई r square की पावर 3/2, और इस स्केयर रूट और स्केयर क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो कितना बच गया kp बाय r क्यूब, ये आ गया इक्विटोरियल। सो ये हो गया e इक्विटोरियल, सो e इक्विटोरियल की वैल्यू आ गई प्लस kp बाय r क्यूब, और इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है बताइए, डाइपोल मोमेंट तो इधर की तरफ, और उसके एंटी पैरेलल डायरेक्शन है, एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट। तो आप ये रिजल्ट आपके पास किसके लिए हो गया, फॉर द इक्विटोरियल लाइन, और अगर आपके पास सॉरी डाइपोल के बजाय एग्जैक्ट रिजल्ट लिखो तो वो आपके पास हो गया सॉरी kp बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, और डायरेक्शन होगी एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट। एक चीज यहाँ कंपेयर करने के लिए, पहले आपने लिखा था कि इक्विटोरियल लाइन पे और एक्सियल लाइन की वैल्यू को कंपेयर करते हैं, तो इक्विटोरियल लाइन पे तो आया kp / r क्यूब, वही निकाला, और इससे पहले निकाला था हमने e एक्सियल, तो वो आया था 2kp / r क्यूब, और वो डायरेक्शन आई थी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट। तो अगर इन दोनों रिजल्ट को हम कंपेयर करें, कंपेयर का मतलब डिवाइड करें, तो इसका मतलब e एक्सियल तो मैं ले लेता हूं ऊपर, ये सपोज सेकंड इक्वेशन बोलते हैं, ये फर्स्ट बोलते हैं, स्मॉल फर्स्ट और ये स्मॉल सेकंड, तो e एक्सियल बाय e इक्विटोरियल, तो आप कहोगे kp / r क्यूब से kp / r क्यूब कट जाएगा, तो क्या आएगा 2/1 मींस 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इधर ही क्रॉस कर दें, सो दैट विल बी ट्वाइस द इक्विटोरियल फील्ड इंटेंसिटी। इसका मीनिंग ये हुआ कि सपोज एक कोई डाइपोल है, और उससे मान लो सपोज एक गिवन डिस्टेंस के ऊपर हम एक्सियल लाइन पे इक्विटोरियल लाइन पे फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं, एक्सियल लाइन पे भी, तो जितनी वैल्यू एक्सियल लाइन पे आएगी उससे हाफ वैल्यू इक्विटोरियल पे आएगी, ये भी कहते हैं कि जितनी वैल्यू इक्विटोरियल पे आएगी उससे डबल वैल्यू किधर की तरफ आएगी, एक्सियल लाइन पे आएगी। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल और इक्विटोरियल लाइन पे डिस्कस किया, नेक्स्ट इसके बाद हम एट एनी पॉइंट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ई आर थीटा ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक।